हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस इन द क्लास ऑफ सुपर फाइव फॉर यूपीएससी सी सेट टुडे वी विल डिस्कस डायरेक्शन सेंस डायरेक्शन सेंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है डायरेक्शन सेंस पे अब डायरेक्शन के अंदर आपके पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन इज द डायरेक्शन एंड द सेकंड वन इज डिस्टेंस आपको दोनों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर आपको डायरेक्शन का भी कंसेप्ट क्लियर है आपको डिस्टेंस का भी कंसेप्ट क्लियर है इन दैट केस यू कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्शन सेंस अब जो क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलते हैं उसके अंदर क्या है क्या होगा आपके पास में कि हां जी कोई भी पर्सन मूव कर रहा है अब वो लेफ्ट में मूव कर गया या फिर राइट right में मूव कर गया ठीक है इस तरह से क्वेश्चन होगा तो अब बात आती है कि आपका लेफ्ट और राइट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अब आप कहोगे कि मैम लेफ्ट लेफ्ट है राइट राइट है तो इसमें क्या क्लियर करना है एक बार ध्यान दो अब देखो इस हाथ में मेरे में मार्कर है दिस इज राइट हैंड अब आप ये देख रहे हो मेरा राइट हैंड किधर है स्टैचू की तरफ है ओके दिस इज माई लेफ्ट हैंड इन दिस डायरेक्शन बट अगर मैं अपना फेस चेंज कर लेती हूँ आई हैव है टर्न इन दैट केस आप देखो मार्कर मेरा इधर है ये वाला हैंड इधर है मीन अब मेरा राइट किधर चला गया यस

ओके मेन थिंग की आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके बाद प्रैक्टिस मस्ट है प्रैक्टिस मस्ट है ओके तो करें स्टार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है देखो ए कार स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट पी एंड मूव टुवर्ड्स ईस्ट ईस्ट की तरफ उसने मूव किया अब पहले देखो हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ओके अब क्या कह रहा है कार ने पी पॉइंट से स्टार्ट किया लेट अस से दिस इज पी ओके अब पी पॉइंट से स्टार्ट एंड मूव किया ईस्ट हमें है है? अब क्या कह रहा है पहुंच गई ए राइट टर्न अब बात आती उसने क्या किया राइट टर्न लिया अब राइट टर्न किधर जाता है अब उसका फेस किधर है ईस्ट की तरफ राइट right किधर जाएगा डाउनवर्ड लेफ्ट किधर जाएगा अपवर्ड डाउनवर्ड ओके एंड टू के राइट टर्न एंड अगेन 15 मीटर 15 मीटर मूव किया उसने इस पॉइंट पे पहुंची क्लियर अब उसके बाद में क्या कह रहा है अगेन आफ्टर मूविंग 15 मीटर इट टू के लेफ्ट टर्न उसने लेफ्ट टर्न लिया अब लेफ्ट किधर होगा अब साउथ फेसिंग अगर नॉर्थ फेसिंग है तो राइट लेफ्ट ओके okay? साउथ फेसिंग है उस केस के अंदर लेफ्ट जाएगा इधर और क्या कह से से उसने फिर से right turn अब किधर है right turn कि जाएगा डाउनवर्ड जाएगा yes. इधर क्वेश्चन इज व्हाट विच डायरेक्शन इज द कार फेसिंग नाउ कार का फेस किस डायरेक्शन की तरफ है तो अब देखो कार का फेस कौन सी डायरेक्शन के अंदर है डाउनवर्ड जा रहे ये कौन सी डायरेक्शन होती है देखो यस दिस इज साउथ दिस इज साउथ दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी साउथ हाँ जी बताइए कोई भी माइनर सा डाउट इसके अंदर किसी को किसी को कोई भी माइनर सा यहां पे डाउट आ रहा क्लियर है नेक्स्ट है? देखते हैं यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एक पर्टिकुलर ए पॉइंट से स्टार्ट किया है

उथ की तरफ फेस है तो लेफ्ट किधर जाएगा लेफ्ट देख मीन किस डायरेक्शन में मूव करेगा एंड वॉक एट मीटर एट मीटर एंड रीच एट पॉइंट सी सी पॉइंट के ऊपर वो पहुंच गया ही देन टेक ए राइट टर्न अब राइट right टर्न उसने लिया है अब जब ईस्ट फेसिंग है तो राइट right टर्न अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया किधर जाएगा डाउन वर्ड जाएगा है ना डाउनवर्ड जाएगा तो क्या कह रहा है लिया है और सिक्स मीटर चल दिया Done? He takes a final right turn. अब उसने फिर दोबारा से राइट टर्न किधर जाएगा हाँ जी ये साउथ फेसिंग साउथ फेसिंग है तो राइट टर्न किधर जाएगा इधर ओके एंड वॉक्स एट मीटर टू रीच ए पॉइंट डी अब यहां से एट मीटर चला अब एटी ये था एटी ये है दैट मीन्स कि यहां पे आ गया और वो किस पॉइंट पे पहुंच गया डी पॉइंट पे पहुंच गया क्लियर देखो ध्यान से यहां पे उसने क्या कहा है कि पहले उसने मीटर चला ठीक है वहां पहुंच गया पे, चला, के ऊपर वो पहुंच गया ओके okay? अब उसके बाद में क्या करें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी और डी का डिस्टेंस क्या है सी डी का डिस्टेंस क्या है तो अब यहां पे देखिए ये वाला जो डिस्टेंस था बेटा ये कितना है दिस दिस इज इज दैट डिस्टेंस डिस्टेंस और और सी डी का आपको फाइंड आउट करना है देखो जिसका भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिन पॉइंट का भी उसके लिए आपने क्या करना उन पर्टिकुलर पॉइंट को मैच कर देंगे ठीक है अब अगर सी और डी का है तो हम सी और डी को हमने यहां पे मैच कर दिया कर दिया अब उस केस के अंदर ये देखिए अब हाँ जी ये कितना था आपके पास में एट था ट दिस इज सिक्स और ये हमें सीडी फाइंड आउट करना है राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे बन गया पाइथागोरस लगाओगे डायरेक्टली तो सी डी कितना हो गया आपके पास में यस एट प्लस सिक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट मीन सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स हंड्रेड स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू टेन आंसर कितना आ गया आपके पास में टेन मीटर यस

ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए क्या है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखो क्या है ए डायरेक्शनल पोस्ट इज इरेक्टेड ऑन एक क्रॉसिंग क्रॉसिंग है उसके ऊपर एक डायरेक्शनल पोस्ट लगा हुआ है इस तरह से कुछ ठीक है यही कह रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ओके अगर हम भी डायरेक्शंस की बात करें डायरेक्शनल पोस्ट है तो पूरा ही बना देते हैं इसको यस दिस इज नॉर्थ ईस्ट दिस इज साउथ ईस्ट दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट क्लियर अब देखो आगे क्या कह रहे हैं इन एन एक्सीडेंट इट वाज टर्न इन सच ए वे दैट द एरो वॉज फर्स्ट शोइंग ईस्ट इज नाउ शोइंग नॉर्थ कह रहे हैं कि वो क्या हो गया पूरे का पूरा टर्न हो गया ठीक है ड्यू टू एन एक्सडेंट ले था ठीक है अब अगर इसका एक्सीडेंट हो गया टक वजह चेंज होगी डायरेक्शन जो ईस्ट था वो क्या कह रहा है कि वो अब क्या शो कर रहा है नॉर्थ शो कर रहा है जो ईस्ट था वो अब क्या शो कर रहा है नॉर्थ शो कर रहा है ये ईस्ट है ये अब क्या बन गया आपके पास में नॉर्थ बन गया ओके दैट मींस कि अगर ये नॉर्थ बना है दैट मींस कि ये पूरे का पूरा ऐसे मूव कर गया देखो ये ऐसे था नॉर्थ अभी टर्न करके ऐसे आ गया समझ रहा? पूरे का पूरा 90 डिग्री से मूव हो गया वो 90 डिग्री से मूव हो गया दैट मीन वर्ट की यहां पे अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या बन गया आपके पास में नॉर्थ ईस्ट यहां पे आ जाएगा ठीक है ईस्ट हमारा यहां पे आ गया दिस इज साउथ ईस्ट दिस इज साउथ दिस इज साउथ वेस्ट ओके साउथ वेस्ट दिस इज वेस्ट दिस इज नॉर्थ वेस्ट सारी की सारी डायरेक्शन चेंज हो गई है

तो यो इस कौन सी डायरेक्शन में चल दिया इस डायरेक्शन में चल दिया नाउ द क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन इज एक्चुअली ट्रेवलिंग नाउ वो कौन सी डायरेक्शन में एक्चुअली ट्रेवल कर रहा है तो कौन सी डायरेक्शन के अंदर यहां पे ट्रेवल कर रहा है एक्चुअल डायरेक्शन कौन सी है साउथ ड्यू टू एक्सीडेंट नाउ इट बिकम्स ईस्ट बट एक्चुअली इट इज साउथ डायरेक्शन तो क्या कह रहा है कौन सी डायरेक्शन है एक्चुअल दिस इज साउथ ये जो अः रोंग डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में मैंने यहां पे फाइव uh, क्वेश्चन के अंदर ही फाइव टाइप्स को कवर करने की कोशिश की है तो ये वाला क्लियर है हाँ जी सभी को क्लियर है नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर वी हैव सम समायरेक्शन मूवमेंट्स एंड सेकेंड इज द डिस्टेंस और आपको डिस्टेंस का भी यहाँ पे कंसेप्ट है और डायरेक्शन का भी दोनों का है देखते हैं क्या है क्वेश्चन है ए पर्सन वॉक्स ट्वेंटी टू मीटर टूआर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए एक पॉइंट है ए उससे ट्वेंटी टू मीटर कह रहा है कि इधर गया है ईस्ट के अंदर गया लेट अस से दिस इज द पॉइंट ए ओके जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे हम अपना डायरेक्शनल डायग्राम ड्रॉ करते हुए चलेंगे

विजिट के लिए आगे देखो अगेन ही टर्न्स हिज राइट एंड वॉक 7 मीटर अब नॉर्थ फेसिंग है तो राइट किधर जाएगा इधर क्या कह रहा है 7 चल दिया दिस इज 7 इस पॉइंट पे पहुंच गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच के ओके okay. अब यहां पे पहुंचने के बाद क्या कह रहा है एंड ही रीचेस एट ए पॉइंट जबकि वो 7 किलोमीटर इस मीटर यहां से चल दिया एंड ही रीचेस एट अ पॉइंट पी आफ्टर वॉकिंग सिक्स मीटर टुअर्ड्स हिज राइट अब राइट right के अंदर मूव करने के बाद में क्या कह रहा है कि पी पॉइंट पे पहुंच गया अब यहां से इस पॉइंट से सिक्स मीटर चला राइट right के अंदर यहां पे आ आगे और ये पॉइंट कौन सा है पी पॉइंट अब ये वाला जो पॉइंट है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से इन लाइन है इन लाइन आ रहा है अब आगे देखो क्या कह रहे हैं फाइनली ही टर्न राइट राइट एंड स्टॉप एट पॉइंट बी आफ्टर वॉकिंग 19 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम पॉइंट बी 19 मीटर वेस्ट अब यहां पे मैं कलर चेंज कर रही हूं क्योंकि यहाँ पे इन लाइन आ रहा है तो थो थोड़ा सा आपको देखो. 19, that means कि जब यहां से यहाँ पे क्या कह रहा है देखो यहाँ पे क्या कह रहा है फाइनली ही टर्न राइट राइट टर्न लिया उसने इधर इस डायरेक्शन में चला गया अब कहां पे रुका है स्टॉप एट पॉइंट बी आफ्टर वॉकिंग 19 मीटर 19 मीटर चला सेवन सेवन ये हो गया और ट्वेल्व और चाहिए एंड ट्वेल्व ओके से दिस इज ट्वेल्व एंड दिस इज सेवन एंड दिस टोटल इज नाइनटीन और कौन से पॉइंट पे पहुंच गया एंड नाउ ही इज एट ए पॉइंट बी दिस पॉइंट इज बी नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट बी बी से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अभी देखो ये पूरे का पूरा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना था यहां यहां से यहां तक 7 है दिस दिस इज एंड इज टेन दैट या इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक उसने पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा टेन और चलना पड़ेगा दैट मीनस दिस इज सो आंसर विल बी ऑप्शन बी टेन मीटर टेन मीटर डन क्लियर है सभी को कोई माइनर सा डाउट अगर डाउट आता है कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर देंगे सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे अगर कोई क्यूरी है आपकी सी सेट के कोर्स के रिगार्डिंग सी सेट के माइक्रो कोर्स वर्सेस के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी है स्ट्रेटजी से रिगार्डिंग इन दैट केस यू कैन आल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ओके नेक्स्ट देखिएगा क्या है ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए

फ्रॉम पॉइंट डी टू बी डी से बी तक जाने के लिए उसको कौन से डायरेक्शन के अंदर मूव करना पड़ेगा ए बी और डी तीनों के तीनों इन लाइन है उसको बी पॉइंट की तरफ जाना है तो ऑब्वियसली ऐसे चलना पड़ेगा और ये वाली कौन सी डायरेक्शन है साउथ दैट मीन्स की उसको कौन से डायरेक्शन में चलना पड़ेगा साउथ डायरेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा ओके okay? अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि डी टू बी विच डायरेक्शन टुअर्ड विच डायरेक्शन द मैन हैज टू वॉक फ्रॉम डी टू बी डी से बी पॉइंट तक जाने के लिए उसको कौन सी डायरेक्शन में वॉक करना पड़ेगा तो कौन सी डायरेक्शन में वॉक करना पड़ेगा नॉर्थ डायरेक्शन में तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में सॉरी साउथ डायरेक्शन में आंसर विल बी ऑप्शन ए साउथ वो इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा ना उसको तो आंसर क्या आ जाएगा साउथ विल बी द करेक्ट आंसर ओके आई होप सभी को क्लियर है कोई भी माइनर सा डाउट अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में हाँ जी सभी ने शेयर करना और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे ओके अब बात आती है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है प्रैक्टिस कैसे करनी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है लेफ्ट राइट मूवमेंट के इसके अलावा एंगल बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हैं ठीक है different, different ऑब्वियसली जब आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इन दैट केस आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन मुझे एग्जाम में मिल सकता है दैट कि हर टाइप मेरी क्लियर होनी चाहिए ओके okay? तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे कंसेप्ट क्लियर है तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो प्रैक्टिस करनी है सभी ने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है इन दैट केस आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करने अब बात आती है कहाँ से कंसेप्ट क्लियर करें कैसे प्रैक्टिस करें दैट अभिमन्यु आपको प्रोवाइड कर रहा है माइक्रोवर्सिस देखो ये माइक्रोवर्सिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया है आप एक बार वहां से चेक कर सकते हो ओके तो अब उस केस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर फोर क्लास लेक्चर अवेलेबल जिसके अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं ओके दूसरा वेब नोट अवेलेबल है आप यहाँ से वेब नोट्स ले चेक कर सकते हो अगर आपको लगता है कि जस्ट स्टडी के बाद में मैं कंसेप्ट समझ सकती हूँ ठीक है और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे कंसेप्ट क्लियर है मैं प्रैक्टिस कर लू प्रैक्टिस कर लू इन दैट केस यहाँ पे आपके पास में आ, प्रैक्टिस के लिए टू ट्वेंटी जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियसली आपके सारे हर टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो रिजोल्व हो जाएंगे और ये जो क्वेश्चन है आपको क्रीज के फॉर्म में मिल रहे हैं दैट मीन्स वट कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में उन क्वेश्चन को सोल्व करते हो बात आती है कि हाँ जी अगर आप कर पाते उतने ठीक है उसके बाद में आपको की डिटेल सोल्यूशन भी चाहिए तो जो इसके अंदर क्वेश्चन है जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट लॉग्स के अंदर मिल जाएंगे ओके तो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे इवन दैट अगर आपको लगता है कि हाँ कोई भी पर्टिकुलर का सॉल्यूशन आपको क्लियर नहीं है इन दैट केस वहां पे एक ऑप्शन है जहां से आप मेंशन कर सकते हो कि आपको कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है ओके, इन दैट केस वी विल क्लियर दैट क्वेश्चन आल्सो, ओके तो वर्सेस का जो कंसेप्ट है आप लोगों के लिए ही है कि आपको जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से स्टडी मटेरियल ले सकते हो डन तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पीवाईक्यूज के साथ में जो हमारी सुपर फाइव सीरीज है इसके अंदर हम कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों की कि पहले हम आपको इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं उसके बाद हम कहते हैं हाँ जी आप प्रैक्टिस करो आफ्टर प्रैक्टिस फिर आपका पी वाई क्यू का सेशन लेते हैं हम सेम टॉपिक पे तो इस तरह से आप आप भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो और हर स्टेप पे हम आपको गाइड कर रहे हैं एग्जाम तक ओके सो थैंक यू बने रहिए अभिमन्यु मेन्यू आइए इसके साथ में